हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज बहुत टाइम बाद, मतलब हाँ, आज ब्लॉग आ रही है, फाइनली ब्लॉग आ रही है। तो आज की ब्लॉग बहुत अलग है, मतलब कि यार मेरे साथ है ना दो बंदे और हैं, तो वो थोड़े आगे हैं, तो मैं उनको अभी कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम जा रहे हैं करोलबाग मार्केट, वहाँ पर हम पहले एक भैया उनको आईफोन देखना है, तो वहाँ पे क्या होता है चीपेस्ट आईफोन वगैरह मिल जाते हैं, तो एक बार वहाँ पे चल के देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो चीपेस्ट आईफोन मिलते हैं वहाँ पे, तो एक बार अगर मेरा वो हुआ कि यार मैं उनसे बात कर लूँगा, आपको अगर वीडियो चाहिए चीपेस्ट आईफोन के ऊपर, तो मैं वो चीपेस्ट आईफोन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको चीपेस्ट आईफोन के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी हम अभी करोलबाग के लिए निकलते हैं, बाकी आगे देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन होगा प्रेस कर देना उसको, ताकि मेरी जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। कल तो हम करोलबाग मार्केट पहुंच गए, तो हमारे साथ मेरे साथ है ना राहुल भाई भी है और जतिन भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं गफार मार्केट। गफार मार्केट में मतलब वो आईफोन की मार्केट है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है, एक बार देखते हैं और आपको भी दिखाऊंगा मैं। तो जल्दी से वहीं जाके मैं अब ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, तो बाय, वहाँ पे जाके दिखा। यहाँ की ना एक बार मार्केट चेकआउट करो, सब खाली पड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट खुली पड़ी है दुकानें, बट मोस्ट ऑफ द मतलब यहाँ पे जो मार्केट लगती है वो सारी बंद पड़ी है। सो हेयर इज दी मेन मोबाइल मार्केट ऑफ करोलबाग, यहीं पर है। फिलहाल तो हमारा यहाँ का जो काम था हमने निपटा लिया। अगर आपको यहाँ पे आना है, आप है ना अपना पुराना फ़ोन सेल कर सकते हो, और उसके बदले न्यू फ़ोन भी ले सकते हो, और मतलब सेकेंड हैंड फ़ोन भी ले सकते हो, तो एप्पल भी बहुत अच्छे रेट पे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मतलब एड्रेस पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अभी इसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से सीपी, तो सीपी की साइड चलते हैं। सीपी की साइड जाके पालिका जाएंगे, पालिका में देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं सीपी। अगर इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और यहाँ का एक बार चेकआउट जरूर करना। नाउ वी आर एट कनॉट प्लेस। एंड अभी कहाँ जा रहे हैं भैया? पालिका बाजार। पालिका बाजार जा रहे हैं, पालिका बाजार दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो वहाँ पे चलते हैं एंड वहाँ पे देखते हैं क्या होता है। टैटू की शॉप पे जाएंगे, तो एक बार देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, ठीक है। हियर इज द मेन गेट ऑफ पालिका बाजार, गेट नंबर वन। तो यहाँ से एंट्री होती है पालिका बाजार की, चलते हैं। अभी हमें ना पालिका से एग्जिट हुए हैं, जस्ट अभी एग्जिट हुए हैं। हमने टैटू इसीलिए नहीं बनवाया क्योंकि यार यहाँ पर ना सारे जो है ना वो मतलब हाई हाई रेट बता रहे थे। अब वो हाई हाई रेट बता के भी ना अपना रेट कम कर देते, मतलब जैसे उन्होंने 5,000 बताया ना तो 1,000 कर देते। मतलब ये क्या होता, जो बंदा ना उनके दुकान पे सीख रहा है ना टैटू बनाना, टैटू आर्टिस्ट जो सीख रहा है, वो उनको लगा देते कि तू बना दे,
ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा इससे, वो बंदा तो टैटू बना देगा, बट दूसरा बंदा जो टैटू बनवा रहा है ना यार, उसकी ना जिंदगी खराब हो जाएगी, उसका पूरा हाथ खराब हो जाएगा, वो पूरी जिंदगी के लिए बैठा रहेगा। तो इसी वजह से हमने यही देखा कि यार उसने जो बंदा सिखा रहा है ना, उसको सिखा रहा है, उससे टैटू बनवा रहा है, तो इस वजह से हमने टैटू कैंसिल कराया और हमने नहीं बनवाया। तो आप अगर टैटू बनवाने आते हो पालिका में, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि किसी प्रोफेशनल से बनवाना, जो अच्छे रेट में बना दे, और मतलब प्रोफेशनल हो, जिसको काम अच्छे से आता हो, तो बेस्ट रहेगा, आपका हाथ भी खराब नहीं होगा और आप बढ़िया, मतलब आपका टैटू भी अच्छा खासा बन जाएगा। फिलहाल तो मैं अभी एक टैटू की शॉप पर आया, तो भैया को टैटू बनवाना था, तो चलते देखते हैं टैटू बनाते हैं एंड दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे बनता और कौन सा टैटू हम बनवा रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। टैटू के लिए कांटेक्ट कर सकते हो आप K2 टैटू बाय फाइन आर्टिस्ट, बहुत बेस्ट बनाया भैया ने। फिलहाल ना भैया का टैटू कंप्लीट हो गया, मतलब हमने टैटू बनवा लिया, आपने देख लिया होगा क्या नाम से टैटू बनवाया, भैया बहुत बड़े फैन हैं उन बंदे के, अल्लू अर्जुन, जो जिनका टैटू इन्होंने बनवाया, और बनी नाम से ही बनवाया क्योंकि उनका निकनेम था बनी, तो बहुत अच्छा टैटू बना, लेकिन दर्द बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। बाकी अभी हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।